एक कॉलेज में अक्सर लड़कियां किसी बैक बेंचर हरामी लौंडे के पीछे पागल होती हैं। डू यू नो व्हाई? बिकॉज उसके अंदर एक बैड बॉय एटीट्यूड होता है। अक्सर बैक बेंचर या फिर कॉलेज ड्रॉप आउट से मिलियनर बिलियनर बनते हैं। डू यू नो व्हाई? बिकॉज उनके अंदर बैड बॉय एटीट्यूड होता है। बैड बॉय एटीट्यूड जिसके अंदर है गर्ल्स, मनी, ये पूरी दुनिया उसके पीछे पागल है। चाहते हो दुनिया को कदमों में झुकाना तो बैड बॉयज की ये चार एटीट्यूड खुद के अंदर ले आओ। सबसे पहले जानते हैं बैड बॉयज होते कौन है। मेरे मुन्ना, अगर आपके दिमाग में ये इमेजिनेशन चल रहा है कि एक बैड बॉय नशेरी होता है, भंगेरी होता है, गांडू होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। एक बैड बॉय आपके या मेरे तरह ही डिसेंट होता है, बस उसके अंदर जो चार एटीट्यूड होते हैं ना, वो उसे स्पेशल बनाते हैं। नंबर वन, दे डोंट केयर अबाउट एनीवन। इस दुनिया में करीब 90% लोग ऐसे हैं जो हमेशा सोचते रहते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। उन्हें लोगों के ओपिनियन से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अगर उन्हें कोई कह दे कि ये ड्रेस तुम पे अच्छा नहीं लग रहा, वो ड्रेस कितना भी अच्छा लगे उन पे, लेकिन फिर भी वो बात उन्हें अंदर ही अंदर खाए जाएगी। यार उसने बोल दिया अच्छा नहीं लग रहा, तो सच में अच्छा नहीं लग रहा होगा, मैं बहुत बेकार लग रहा हूँ, मैं बहुत फालतू लग रहा हूँ। उन्हें लोगों से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, लोगों के ओपिनियन से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। बट ये जो बैड बॉयज होते हैं ना, इन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता लोगों से। सेम चीज अगर इनके साथ हो, कोई आके बोल दे ये ड्रेस तेरे पे अच्छा नहीं लग रहा, ये सीधे बोलेंगे तेरे से ओपिनियन मांगी मैंने, पूछा मैंने तेरे से, अबे जा जा किंग कॉन्ग की शक्ल वाले। इन्हें फर्क ही नहीं पड़ता दूसरे इनके बारे में क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, ये अपने जिंदगी में मस्त रहते हैं। बहुत से लोग किसी पब्लिक प्लेस पर पिक्चर लेने से डर रहे होते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, लेकिन बैड बॉयज को घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो किसी भी पोज में खड़े हो जाते हैं, बिकॉज दे डोंट केयर। सेकेंड पॉइंट, दे हैव अ पावरफुल सेल्फ कॉन्फिडेंस। एक इंसान चाहे कितनी भी बॉडी बना ले, कितना भी ताकतवर बन जाए, कितना भी ज्यादा पैसा कमा ले, उसे एक नॉर्मल इंसान से भी डर होगा अगर उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस ना हो तो। एक योद्धा कितना भी ताकतवर बन जाए, अगर उसके अंदर जिगरा नहीं है, उसे धूल चटा दिया जाएगा। जैसे गन में गोली होती है ना, वैसे ही शरीर में सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास होता है, और ये इंसान जन्म से लेकर पैदा नहीं होता, इसे बिल्ड करता है। एक बैड बॉय जिसे प्यार होता है और वो लड़की को तुरंत प्रपोज कर देता है, बिकॉज उसे डर वर नहीं लगता कि वो क्या रिएक्ट करेगी। एक बैड बॉय जिंदगी में इसलिए ज्यादा सक्सेसफुल होता है क्योंकि उसके क्लाइंट्स उसके कॉन्फिडेंस को देखकर इंप्रेस हो जाते हैं और सोचते हैं कि इसमें दम है, ये कुछ करके दिखाएगा। एक बैड बॉय अगर स्टेज पर भी जाता है लोगों को कॉन्विंस करने के लिए, तो वो इस तरह बात करता है कि लोगों को लगता है जैसे वो कितना बड़ा एक्सपर्ट हो। उसके कॉन्फिडेंस की वजह से वो सक्सेसफुल होता है, लोग उसके पीछे फिदा होते हैं। पॉइंट नंबर थ्री, दे डोंट हैव फियर टू लूज एनीवन। स्कूल में हर एक लड़के की क्रश होती है कोई ना कोई लड़की। जो नाइस गाइज होते हैं ना, उनके भी क्रश होते हैं, लेकिन वो सालों साल बस उसे देखते रहते हैं। अगर उनकी उससे बात भी होती है तो एकदम प्यार से बात करते हैं, कहीं वो ऑफेंड ना हो जाए। ऐसे लगता है जैसे किसी बच्चे किसी बाबू की केयर किया जाता है, वैसे करते हैं। सालों साल अपने स्कूल के क्रश को निहारते रहेंगे, टाइम वेस्ट करते रहेंगे, तब तक निहारते रहेंगे जब तक उस लड़की का बच्चा स्कूल ना जाने लगे। नाइस गाइज ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो उसे खोना नहीं चाहते। उन्हें डर होता है कि कहीं अगर वो कुछ भी ऐसा वैसा उसे कहते हैं, वो ऑफेंड ना हो जाए। लेकिन बैड बॉयज को घंटा फर्क नहीं पड़ता कोई ऑफेंड हो जाए या ना हो जाए। अगर कोई लड़की उन्हें पसंद आती है, वो सीधा जाके उसे आई लव यू कहते हैं, या फिर उसे इनडायरेक्टली प्रपोज कर ही देते हैं। अगर उस लड़की ने हाँ कर दी तो वेल एंड गुड, अगर नहीं की तो घंटा फर्क नहीं पड़ता उन्हें, वो अपने लाइफ में मस्त हो जाते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बैड बॉयज को रिजेक्शन से भी घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो सोचते हैं रिजेक्शन इज वेरी नॉर्मल, एंड सबसे बड़ी बात, वो किसी को खोने से नहीं डरते। इस वजह से वो अपने जिंदगी में टाइम वेस्ट नहीं करते सोचने में, उन्हें जो करना होता है वो करके रख देते हैं। उन्हें अगर बिजनेस करना है तो वो अपने पैसों से बिजनेस करते हैं। वो ये नहीं सोचते पैसा डूब जाएगा, बहुत मेहनत से कमाया है। ये जवानी है दीवानी का एक डायलॉग सुना होगा, पैसा हाथ का मैल है। यही होते हैं बैड बॉयज, ये पैसे से भी रिस्क लेने में डरते नहीं हैं। इसीलिए ये सक्सेसफुल भी होते हैं ज्यादा, और इन्हें बेटर रिलेशनशिप्स भी मिलता है, बिकॉज ये इतने सारे लड़कियों पे ट्राई मारते हैं, कोई ना कोई खूबसूरत लड़की इनको हाँ कर ही देती है। पॉइंट नंबर फोर, दे आर बॉर्न फाइटर्स। ये ना बॉर्न फाइटर्स होते हैं, मतलब ये जन्म से ही लड़ना शुरू कर देते हैं। लड़ना इन द सेंस ऐसा नहीं कि दूसरों से लड़ते रहते हैं, हालातों से, जिम्मेदारियों से, गलत बातों से, गलत चीजों से,
गलत हैबिट से ये हमेशा लड़ते रहते हैं। मान लो कि ये जिंदगी में बहुत ज्यादा असफल हैं एंड बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं, तो भी ये लड़ना कभी भी नहीं छोड़ते, ये कभी हार नहीं मानते, ये हमेशा सफलता की राह पर चलते रहेंगे। मान लो इनके रिलेशनशिप्स में बार बार इन्हें धोखा मिलता है, लेकिन ये फिर भी क्लोज्ड हार्टेड पर्सन नहीं बन जाते। ऐसा इंसान जो अपने दिल को बंद कर लेता है, नहीं अब मैं किसी से प्यार करूंगा ही नहीं, दिल टूटेगा ही नहीं अगर प्यार करूंगा ही नहीं, तो ऐसा नहीं होता है। बैड बॉयज हमेशा खुलकर जीते हैं और सबका स्वागत करते हैं। अगर इनका दिल भी टूटता है, ये काफी मैच्योर तरीके से खुद को हैंडल करते हैं, तो ये बॉर्न फाइटर रहते हैं। मतलब जिंदगी जीने का सिर्फ दो तरीका होता है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, या फिर हालातों को बदलने की ठान लो। इनके अंदर जो एटीट्यूड होता है ना, ये हालातों को बदलने वाले होते हैं। विवेक बिंद्रा सर कहते हैं ना हमेशा बाउंस बैक, हे कम ऑन बाउंस बैक, तो ये हमेशा बाउंस बैक करते हैं। ये फाइटर एटीट्यूड मिलाकर जो चार एटीट्यूड होता है, यही चार एटीट्यूड बैड बॉयज को खतरनाक बंदा बना देता है। वैसे आप भी कमेंट करके जरूर बताएं आप एक बैड बॉय हो या फिर गुड बॉय। वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं एंड वीडियो को दबा के शेयर कर दें। थैंक्स वॉचिंग गाइज, लव यू ऑल।